तुम तो दिल्ली जाने वाले थे ना तैयारी के लिए। जब यूपीएससी के सारे सुपर टीचर्स खुद मेरे पास आ रहे हैं, दिल्ली को जाना। इंडिया के सुपर टीचर्स के साथ अब होगी यूपीएससी क्रैक। डाउनलोड करो टेस्ट बुक ऐप। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू टेस्ट बुक डॉट कॉम। आई होप सो मेरी ऑडियो वीडियो आपको अच्छे से आ रही होगी। जल्दी से ज़रा बताइए फटाफट, सब कुछ अच्छा है तो। जैसा कि आप लोगों को अभी एसएससी के जो एग्ज़ाम सीएचएसएल है उसका भनक लगा होगा और बहुत सारे जो प्रश्न है वो आपके जो है वो पूछे जा रहे हैं रिसेंटली, करंट अफेयर्स से, स्टैटिक जीएस से, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से, है ना। और बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो आसानी से आप बना रहे हैं। मतलब अगर देखा जाए तो इस साल का जीए का जो लेवल था जो बहुत ऊपर चला गया था वो ये वाली शिफ्ट में। तो अगर आपने पढ़ाई की है, नहीं पढ़ा तो यार जीए तो बहुत कठिन है, तो पढ़ाई की है जो पैटर्न है एसएससी का, उसी पैटर्न पर प्रश्न आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ पर सारे के सारे बच्चे जितने भी हमारे साथ रेगुलर आते हैं वो इसके ऊपर फोकस करेंगे और यहाँ पर जवाब जो है वो प्रश्नों के अच्छे से दे पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को यहाँ पर शुभारंभ करने जा रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को सीखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं और बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज के जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको यहाँ पर हम लोग करेंगे, सीखेंगे, देखते हैं कितने प्रश्नों को आप यहाँ पर बना पा रहे हैं और कितने प्रश्नों को आप यहाँ पर थोड़ा सा दूर हटने वाले। तो पैटर्न को बिल्कुल, इस बार जो एसएससी का पैटर्न है उसी पर आधारित प्रश्नों को पूछा जा रहा है, मतलब आसानी है आपके लिए यहाँ पर करना। तो दोस्तों यहाँ पर टेक्स्ट बुक पास, जहाँ पर आप बिल्कुल करंट अफेयर्स के क्विजेस से लेकर के हमारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट एमटीएस हो गया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया, सारे दे सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर आज 100 लकी विजेताओं को मिलने वाला है पूरा का पूरा कैशबैक वापस, मतलब फ्री में टेक्स्ट बुक पास मिलने वाला है। तो ये आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं, 100 लकी विजेता आप भी हो सकते हैं, 100 एक बहुत बड़ा नंबर है। तो अगर आपका ख़त्म हो गया या ख़त्म होने वाला है तो आप यहाँ पे इनरोल कर लीजिए और मात्र 360 रुपये का है, 360 रुपये का ये टेक्स्ट बुक पास पड़ेगा। लेकिन इसके लिए कूपन कोड लगाना पड़ेगा आपको, PAC PASS, ये कूपन कोड लगाइए और इनरोल कर लीजिए। तो 100 लकी विजेताओं को मिलेगा यहाँ पर क्या टेक्स्ट बुक पास में, फ्री, मतलब कोई भी चार्ज नहीं लगेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। अब ये आपको कई लोग बोलते हैं सर ये है कहाँ पर, तो जो टेक्स्ट बुक पास है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं YouTube पे, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वीडियो में, इसके डिस्क्रिप्शन में ये लिंक पड़ा हुआ है, आप यहाँ पर जाइए, है ना, एरो के नीचे, यहाँ पर आपको इनरोल कर लेना है। यहाँ पर 399 रुपये का ईयरली वाले, मंथली नहीं ले, मंथली में एक महीने में ख़त्म हो जाएगा, एक साल वाला ले लो, 100 रुपये का अंतर है, 100 रुपये का नहीं 150 का ही अंतर होगा। तो यहाँ पर आप कूपन कोड लगाना है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, PACPS, अगर आप लकी होंगे तो आपका पूरा का पूरा पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये टेक्स्ट बुक पास जो कि आपके इतने सारे एग्जाम्स की तैयारी कराने वाला है यहाँ पर आपको मिल रहा है बिल्कुल फ्री में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इनरोल करो और हो सकता है कि आपको फ्री में मिल जाए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, हर साल जो हमारा वाइल्ड लाइफ वीक है वो कब मनाया जाता है, सितंबर, जनवरी, अक्टूबर या नवंबर। सारे बच्चे जरा जवाब देंगे कि हमारा जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है ये कब मनाया जाता है। सारे बच्चे एक साथ जवाब दे रहे हैं कि सर यहाँ पे जो सही उत्तर होना चाहिए, यहाँ पर जो सही उत्तर होना चाहिए, सारे की सारी जनता बोलेगी सर अक्टूबर होना चाहिए। तो अक्टूबर में हमारा हर पहले सप्ताह में ये अक्टूबर को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। इनमें से कौन सा गेम हमारा जो है वो टेबल पे, मतलब बोर्ड पर नहीं होता है, बोर्ड नहीं होता उसका कोई, है ना, या तो ये हमारा फील्ड में खेला जाता है या हमारे उससे रिलेटेड कोर्ट में खेला जाता है। चेस है, स्क्वैश है, कैरम है या बिलियर्ड्स है, बोर्ड पर नहीं खेला जाता है। बहुत बढ़िया, सारे के सारे बच्चे जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तो ये फील्ड पे या तो हमारा बोर्ड पर खेला जाता है। तो जनता बोले सर स्क्वैश होना चाहिए, तो स्क्वैश इज राइट आंसर। ये हमारा एक कोर्ट में होता है जो कि एक ट्रांसपेरेंट वॉल से हमारा होता है, तो स्क्वैश इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, इंडिपेंडेंट है, मिक्स्ड है, कैपिटलिस्ट है या कम्युनिस्ट है, हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। तो जनता यहाँ पर बोले सर भारतीय अर्थव्यवस्था का अगर हम प्रकार देखें तो ये हमारे एक प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर यहाँ पर हम लोग टिक करेंगे, नंबर मिल जाएगा। इंडियाज इकोनॉमिक क्राइसिस, ये किताब किसने लिखी है, इंडियाज इकोनॉमिक क्राइसिस जो है
इस किताब को किसने लिखा है। एमके गांधी है, बिमल जालान है, राजेंद्र प्रसाद है, राज ठाकरे है। बहुत बढ़िया ये किताब है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो यहाँ पर जनता बोली है सर सही उत्तर होना चाहिए इंडियाज इकोनॉमिक क्राइसिस। ये किताब लिखने वाले बिमल जालान है, पूर्व गवर्नर ऑफ हमारे RBI। भारत सरकार ने LPG मॉडल को कब लेकर के आए थे, जो LPG मॉडल है जिसको आप लोग लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, हम लोग मनमोहन सिंह को इनके फादर के तौर पे जानते हैं, कौन यहाँ पे होना चाहिए। तो सारी जनता यहाँ पर बोलेगी सर 1991 में हमारे ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन यहाँ पर आ गया था 1991 में। अगर हमारी कोई आंधी उठी हुई है तो उसमें जो रफ्तार है वो कितनी होगी, 70 है, 80 है, 34 माइल पर आवर है या 60 माइल पर आवर से क्या होना चाहिए। तो सारी जनता यहाँ पर बोल रही है कि अगर हम आंधी की रफ्तार को देखेंगे तो जो आंधी की रफ्तार होती है वो हमारी होती है 34 माइल पर आवर से अधिक। ठीक है ना, तो 80 यहाँ पर होना चाहिए 80 मील पर आवर से अधिक होना चाहिए, 34 लिखा हुआ 34, 80 माइल पर आवर से जो अधिक होती है हवा वो आंधी बोली जाती है, उससे कम तो नॉर्मल पवन हम लोग उसको बोल सकते हैं। अगला प्रश्न आपके साथ है, आपको बताना है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा चतुष्कोण पर होते हैं, है ना, क्वाड्रेचर पर होते हैं, अर्थ मून एंड हमारे सन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। इस ज्वार भाटा दैनिक ज्वार है, मिश्र द्वार है या नीप ट्राइड है, वो जनता बताइए क्या होना चाहिए। जब हमारे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक चतुष्कोण बनाते हैं तो दोस्तों इसको नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं नीप ट्राइड, उच्च ज्वार बेटा, चतुष्कोण पर चारों हैं और ग्रेविटी की वजह से हमारा जो अर्थ का जो टाइड्स बन रही है वो बहुत तेजी, नीप ट्राइड बन रही है, उच्च ज्वार बन रहा है। सूफी संत का अगर कोई हमारा मकबरा है उसको क्या बोलेंगे, कलदेशक है, खानकाह है, ईदगाह है, दरगाह है, है ना, MTS के एग्जाम में खानकाह पूछा जा चुका है। ठीक है ना, तो दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि हमने मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह को देखा अजमेर शरीफ में, हम लोगों ने शेख सलीम चिश्ती की दरगाह को देखा कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में, यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा दरगाह बोलते हैं, है ना, दरगाह। 1984 में A.O. ह्यूम ने जब कांग्रेस को स्थापित किया था तो वो किस नाम से जानी जाती थी, नेशनल, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, इंडियन नेशनल यूनियन था, इंडियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन था या अदर देन है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश एज, पहले क्या नाम था। दूसरे सेशन में दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम कांग्रेस रखा लेकिन पहले इसका नाम था हमारा क्या, सारी की सारी जनता कंफ्यूज दिखाई दे रही, इंडियन नेशनल यूनियन, और बाद में इसका नाम बदल के किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पर 2 नंबर जितने बच्चे बोल रहे जवाब उनका सही है। अभी आपको बताना है भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची में कौन सा राज्य नहीं है, जो हमारे शेड्यूल है 12 शेड्यूल, उसमें से 6वीं हमारे कुछ स्पेशल राज्य के बारे में बताती है, तो 6वीं में वो कौन सा राज्य जो है वो नहीं है। बहुत बढ़िया, सारी जनता एक ही जवाब दे रही है कि सर हमारे जो 6वीं अनुसूची है वहाँ पर मणिपुर का जिक्र नहीं है, असम, मेघालय, त्रिपुरा ये जिक्र किया गया है, मणिपुर का जिक्र नहीं है, याद रखना, गलत दे रहे हो आप लोग जवाब मेघालय वालों। आपको बताना है इनमें पर रिलीजियस एजुकेशन रोक दी गई थी हमारे गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस में, रिलीजियस बातें नहीं की जाएंगी, कौन सा ये हमारा फंडामेंटल राइट में बताया गया है। 28 का 1 है, 39 का 2 है या 15 है, बहुत बढ़िया। अच्छा GK का टेंशन नहीं लेना यार, देखो सबसे पहले अपना रिवीजन करके जाओ सारा का सारा जो पढ़ा हुआ है ना, और याद रखना पेपर अगर टफ आता है सबके लिए आता है, मुझे लेकिन लग रहा है कि इस बार का जो GA का पेपर है अगर आप रेगुलर पढ़े हुए तो जरूर बना के जाओगे। रैमसर्स अवार्ड का एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछा जा रहा है, तो मैं बार बार बोलता हूँ अवार्ड पढ़ रहे हो तो उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर मैं जरूर बताता हूँ, उसको भी याद करिए। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या होना चाहिए, 28 का ए, 21A की 28 1 की तरफ जाना है, 28 1 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है भारतीय क्रिकेट टीम की जो शीर्ष प्रायोजक है वो कौन है, सहारा है, वोडाफोन है, रिलायंस है या पेटीएम है। तो यहाँ पर जनता बोली है सर अगर आप देखेंगे क्रिकेट टीम का जो हमारा है उस पर एक लोगो लगा रहता है आजकल सभी ने देखा होगा, तो वो है हमारी कौन सी, पेटीएम। सहारा तो जाने कब हुआ करता था, सहारा बेचारे खुद ही बेसहारा हो गए, तो सहारा तो बेसहारा हो गए, उनके ऊपर तो बहुत सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लगा दिया, तो पेटीएम इज राइट आंसर, बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है पेटीएम। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, राष्ट्रपति का जो चुनाव है कौन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, राज्यसभा है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली है, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जल्दी से।
सारी जनता यहाँ पर बोले सर राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल नंबर 54 में ये बताया गया है कौन वोट देंगे, 55 में चुनाव का तरीका है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 54 में हमारे इलेक्टेड मेंबर लोकसभा राज्यसभा के होते हैं, स्टेट असेंबली के होते हैं, लेकिन नॉमिनेटेड नहीं करेंगे भैया, होते हैं गलती कर सकते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करेंगे ना। सौर्य ऊर्जा को शक्ति नहीं मिलती है, सौर्य ऊर्जा को शक्ति नहीं मिलती है मानसून से, है ना, ओशियन करंट से, फोटोसिंथेसिस से या समुद्री ज्वार से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पावर्ड बाई सोलर एनर्जी, इनमें से कौन सोलर एनर्जी से नहीं, कोई मतलब नहीं है, सूर्य से उसको मतलब नहीं है, सूर्य का लेना देना इस प्रोसेस से बिल्कुल नहीं है। मानसून जनता बोले कि सूर्य का इससे लेना देना नहीं है, सही जवाब हो जाएगा समुद्री ज्वार। मानसून बेटा सूर्य ही तो उसको एब्जॉर्ब ऐसे करता खींचता है, बादल बनते हैं, है ना, करंट जो है ओशियन करंट्स भी हमारे गर्मी की वजह से चलती हैं, फोटोसिंथेसिस तो है ही, लेकिन टाइड्स जो है ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से चलता है। थोड़ा सा प्रश्न को समझने में दिक्कत हुई है, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर 4 नंबर सही जवाब है। भूगोल शब्द की रचना जो है ये किसने की थी, हम्बोल्ट ने की थी, अरस्तु ने, एस्टोथेनिस ने की थी या ब्लैच ने की थी, भूगोल शब्द के बारे में किसने बताया था, बहुत बढ़िया, सारी जनता यहाँ पर जवाब दे रही है, सर भूगोल के बारे में बताया था एस्टोथेनिस ने, एस्टोथेनिस इज राइट आंसर। आप लोगों ने 8 बजे वाली क्लास देखी ना, उसमें हमारी ठीक है। गार्डगिल की योजना किससे संबंधित है, 1st 5-year plan है, 2nd है, 3rd है, 5th है, गार्डगिल की योजना किससे संबंधित है, सारे बच्चे एक ही जवाब दे रहे हैं, सर पहली जो है हराल्ड डोमल है, दूसरी अगर आप देखेंगे तो वो हमारी किस में आ जाती है, पीसी बहानोमोनिस मॉडल है, लेकिन गार्डगिल की योजना तीसरी है, फेल हो गई थी, रीजन फेल होने का ये था, प्लानिंग में दिक्कत नहीं थी, युद्ध थे, 1962 में लड़ाई हो गई, 1965 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गई, तो ये फेल हो गई थी हमारी परियोजना। समताप मंडल में उपस्थित ओजोन लेयर किससे बचाती है, इंफ्रारेड विजुअल है, अल्ट्रावायलेट या सभी है, तुम्हारा फेवरेट ऑप्शन भी है सभी। तो यहाँ पर जनता बोली है सर अगर अल्ट्रावायलेट रेस की बात करेंगे तो ये हमको बचाने का काम करती है, हमारे ओजोन लेयर बचाने का काम करती है, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। इनमें से भाषा इंडो आर्यन भाषा से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जो इंडो आर्यन नहीं है, मुंडा है, पंजाबी है, डोंगरी, असमी है, सॉरी इनमें से कौन सी भाषा इंडो आर्यन भाषा से नहीं संबंधित है, तो दोस्तों यहाँ पे मुंडा जो है ये इंडो हमारे आर्यन नहीं है, बाकी की सारी संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतमाला प्रोजेक्ट अभी आप लोगों को मैंने पढ़ाया था करंट अफेयर्स में, ये किससे संबंधित है, रोड कनेक्टिविटी, पोर्ट और रेलवे को जोड़ना, इंटरलॉकिंग ऑफ रेलवेज या मेजर सिटी विद द गैस पाइपलाइन, भारतमाला प्रोजेक्ट है क्या चीज। 650 करोड़ रुपए बजट में एलोकेट किया गया इसके लिए, पहले 600 था, 650 कर दिया गया है करोड़ रुपए, और ये हमारे जो भारतमाला है तो हमारा ये जो पोर्ट एरिया है इसको डेवलप करने के लिए, ये जो हमारे बंदरगाह है इसको डेवलप करने के लिए ये हमारा बनाया गया था, है ना, तो यहाँ पर हमारे ये सागरमाला प्रोजेक्ट थी, सॉरी मैंने भारतमाला में बता दिया, सॉरी गाइस, ये सागरमाला पोर्ट को डेवलप करने में, भारतमाला प्रोजेक्ट जो है ये हमारे सड़कों को डेवलप करने के, दोनों मिलता जुलता नाम है, तो भारतमाला सड़कों से सागरमाला पोर्ट को, है ना। चलिए आगे चलते हैं, लाखों कंप्यूटर नेटवर्क को जोड़ने वाला क्या है, इंटरनेट है, सैटेलाइट है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या ईमेल है, लाखों कंप्यूटर को जोड़ रहा है, एक कंप्यूटर को नहीं, दो को नहीं, कई सारे कंप्यूटर्स को जोड़ रहा है ये नेटवर्क। सारी जनता एक ही बोल रही है सर कई सारे जो हमारे नेटवर्क को जोड़ रहा है उसका नाम है इंटरनेट की सैटेलाइट होगा, तो यहाँ पे इंटरनेट है, जाल बिछा रखा, इंटरनेट का मतलब ये जाल। अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण संदर्भ में 1984 नवधाव्य आंदोलन की स्थापना किसने की, हेगड़े ने, बाबा अमटे हैं, वंदना सिंह है या मेधा पाटकर है, 1987 में नवधाय आंदोलन की योजना किसने शुरुआत की थी। तो यहाँ पर जनता बोल रही है सर सही जवाब होना चाहिए, अरे यार क्या भाई साहब, यहाँ पर जो सही जवाब होना चाहिए वो है हमारे वंदना सिवा, यहाँ पर जितने बच्चे बोल रहे हैं जवाब उनका सही है, तो वन संरक्षण संदर्भ में 1987 में नवधाव्य आंदोलन वंदना सिवा ने चलाया था। यहाँ पे अगर हम लोग 22 फोकल लेंस की बात करें, अगर आपको प्रेस बायोपिया है, जरा दूर दृष्टि दोष है, तो आपको बाईफोकल लेंस लगाना पड़ेगा। इसकी खोज किसने की थी, थॉमस अल्वा एडिसन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है, एवांजेलिस्टा है या आइजैक न्यूटन है, सारे बच्चे क्या जवाब देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल हमारे जरा दृष्टि दोष को दूर करने में करते हैं, और इसकी खोज करने वाले थे बेंजामिन फ्रैंकलिन इज करेक्ट आंसर। श्रमजीव
श्रमेव जयते ये किसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहल है, मेक इन इंडिया है, दीनदयाल ज्योति योजना है, स्किल इंडिया है या ग्राम स्वराज अभियान है, किसके तहत ये योजना चलाई गई थी? श्रमेव जयते, बहुत बढ़िया, जनता यहाँ पर एक बार फिर से जवाब दे रही है। तो सारी की सारी जनता यहाँ पर जवाब दे रही है कि इसका सही उत्तर होना चाहिए हमारे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत आया था 2014 में, वो लॉयन वाला सिंबल सभी को याद होगा। अब भगवान परशुराम का सर्वधर्म मंदिर इनमें से कौन से स्थान पे है? भगवान परशुराम का सर्वधर्म मंदिर कहाँ पे है? जगधारी, थानेश्वर, मारकंडा या इनमें से कोई नहीं? थोड़े से कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। तो सारे के सारे जनता यहाँ पे जवाब दे रही है कि सर सही उत्तर होना चाहिए जगाधारी में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, गांधीधाम अहमदाबाद एंड वलसाड आर इन, फिलिंग द ब्लैंक्स, कोझीकोड़े इज इन। तो यहाँ पर ये सारे के सारे कहाँ पर है और कोझीकोड़े कहाँ पे है? ये बेसिकली हमारे सूती वस्त्र के लिए फेमस है, तो ये तीनों कहाँ पे है? जनता बोलेगी सर ये गुजरात में, बिल्कुल गुजरात में, लिख दो यहाँ पे गुजरात में। कोझीकोड़े कहाँ पर है? केरल में, तमिलनाडु में। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा गुजरात और केरल। तो गुजरात और केरल के ऊपर टिक किया हमने, गुजरात और केरल इज राइट आंसर, है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, गांधीयन प्लान, ये प्लानिंग कमीशन के पहले जो गांधीयन प्लान आया था कौन लेके आया? महात्मा गांधी खुद लेके आए, श्रीमन नारायण लेके आए, एमएन रॉय लेकर आया या महाबलोनिस लेकर के आए? कौन लेकर के आए थे गांधीयन प्लान? सारी बच्चे यहाँ पे जवाब दे रही है सर गांधीयन प्लान गांधी जी की जो योजना है उसको लेकर के आए थे, गांधी जी नहीं, वो लेकर के आए थे श्रीमन नारायण ये लेकर के आए, हमारे दो नंबर इज राइट आंसर। वर्तमान में जो हमारे पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होता है, क्रामिक एंड प्रशिक्षण विभाग है, ये किसके पास है? प्रधानमंत्री है, पीएम है, होम मिनिस्टर है या लेबर मिनिस्टर है? ये किसके पास डिपार्टमेंट है? तो सारी की सारी जनता यहाँ पे जवाब दे रही है कि सर वर्तमान में जो क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग है ये हमारे प्रधानमंत्री जी के पास है, मतलब दो नंबर जितने बच्चे बोल रहे हैं जवाब उनका सही है, प्रधानमंत्री जी इसके हेड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रजाति के संरक्षण को हम लोग कैप्टिव ब्रीडिंग मोड का एक सफल मॉडल मानते हैं? कैप्टिव ब्रीडिंग मोड का हमारा जो सफल है वो परीक्षण है, गंगा घड़ियाल, मणिपुर थामिन हिरण, सफ़ेद पंखों वाली वुड डक है या अटलांटिक कोड है? तो यहाँ पर जनता बोली है सर सही जवाब होना चाहिए, ये हमारे गैंगेटिक जो घड़ियाल है, गैंगेटिक घड़ियाल जितने लोग बोल रहे हैं यहाँ पर, ये इसका सफल हमारा कैप्टिव ब्रीडिंग मॉडल है जिसको अपनाया गया था, है ना। IAEA इसका हमारा व्यापक रूप क्या है, है ना? एटम फॉर पावर एंड ड्रग, एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, एटम्स फॉर पीस एंड डाउनलोड या एटम्स फॉर पीस एंड डिस्ट्रक्शन, IAEA का फुल फॉर्म क्या होगा? चलिए, तो जनता यहाँ पर बोल रही है सर सही उत्तर होना चाहिए हमारा एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, यही होना चाहिए हमारा ऑप्शन नंबर दो इज राइट आंसर। इनमें से ओडिसी जो है ये भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य है को दर्शाया जाता है, आग से, सॉयल से, स्काई से, वाटर से, ओडिसी को जो है ये किसके द्वारा दर्शाया जाता है, क्या होना चाहिए? तो जो ओडिसी नृत्य है इसको आप किसके जरिए दर्शाएंगे? तो भैया ये वाटर, पानी के जरिए दर्शाया जाता है, तो वाटर के जरिए आप ओडिसी को दर्शा सकते हैं, ओडिसी पानी का नृत्य है। सलाइन एल्काइन सॉइल एंड कैरल सॉइल आर नोन एज, यहाँ पे लवड़ी, क्षारी मिट्टी, करैल मिट्टी, भट्ट मिट्टी कैसी मिट्टी होती है? काली होती है, जलोढ़ होती है, रेड सी होती, लेड सॉइल होती है या लैटराइट मिट्टी होती है, कैसी मिट्टी होती है? जो कि हमारी थोड़ी सी लवड़ी होगी, थोड़ी सी करैल होगी, भट्ट मिट्टी, ये आपको मिलती है कहाँ पे? जनता यहाँ पर बोलिए सर सही जवाब होना चाहिए एलेविल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, है ना। मथुरा, डिगबोई एंड पानीपत आर सेट अप बाय, जो हमारे यहाँ पर रिफाइनरीज हैं, ऑयल रिफाइनरीज कहाँ कहाँ पे है? डिगबोई में, पानीपत में, मथुरा में, ये किसके द्वारा स्थापित की गई? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है, क्रूड डिस्टिलाइजेशन यूनिट ऑफ मद्रास, क्या होना चाहिए दोस्तों? तो यहाँ पर जनता बोलिए सर सही उत्तर होना चाहिए यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जितने लोग बोल रहे हैं जवाब सही है। कालाहांडी और संबलपुर किसके प्रमुख उत्पादक है? आयरन ऑक्साइड है, बॉक्साइड है, माइका है या गोल्ड है? कालाहांडी,
सभी को पता है उड़ीसा में है और संबलपुर, यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलेगा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा होती है। जनता बोले सर काला हांडी और संबलपुर, अगर हम इनके बारे में बात करें तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है बॉक्साइड मतलब एल्यूमिनियम का ओर, एल्यूमिनियम यहाँ पे भर भर के होता है, तो यहाँ पर दो नंबर सही उत्तर है। इनमें से कौन पांडुचेरी का पहला गवर्नर था जो भारत में फ्रांसीसी संपत्ति का मुख्यालय था, यहाँ पे पहला गवर्नर पांडुचेरी का पहला गवर्नर कौन था पांडुचेरी में, थॉमस रो है, मार्टिन है, क्रेबल है या अल्बा क्रुक है, जो फ्रांसीसी हमारे कंपनी का यहाँ पर आप देखेंगे। तो सारे के सारे बच्चे यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, फ्रांसिस मार्टिन, फ्रोकोसिस मार्टिन इज राइट आंसर, जो हमारे फ्रांसीसी संपत्ति का गवर्नर था हिंदुस्तान में, पौंडीचेरी में गवर्नर बनाया गया था। इनमें से तीन हमारे जो रेलवे के इंजन हैं जिनको हमने यहाँ पर देखा था, जो कि हमारे थाने से कहाँ तक लेकर के गए थे, थाने से हमारे रेल को लेकर के गए थे हमारे मुंबई से थाने तक, पहली रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 में, कौन सा जो है वो इंजन नहीं था, सोहाला है, सुल्तान है, सिंध है या साहिबी है। तो सारे के सारे बच्चे यहाँ पर जवाब दे रहे हैं कि सर सही उत्तर होना चाहिए सोहाना, सोहाना जो है यहाँ पर इंजन था, सुल्तान, सिंध और साहिब, ये हमारे देखने को मिले थे तीन इंजन। हाइडे स्पीसीज का युद्ध जो है ये कब लड़ा गया था, 330 में, 318 में, 322 में या 326 बिफोर क्राइस्ट में, कब लड़ा गया था हमारा हाइडे स्पीसीज का युद्ध। सारे बच्चे यहाँ पर जवाब दे रहे हैं सर ये सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी, सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी और इसको हमारे लड़ा था किसने, हाँ 326 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है 320 बिफोर क्राइस्ट में ये लड़ा गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC लोकेटेड इन, हमारे यहाँ पर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है ये कहाँ पर है, मुंबई, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम, बंगलौर। तो सारे के सारे जनता यहाँ पर बता रहे हैं सर सही जवाब होना चाहिए बी नंबर, त्रिवेंद्रम में हमारा ये खोला गया था 15 अगस्त को, है ना। अगला क्वेश्चन है कि हमारा एशिया का एट्रोपोएट बंदरगाह कौन सा है, बेंगलोर है, मनीला है, कोलकाता है या हमारा सिंगापुर है, एट्रोपोएट बंदरगाह कौन सा है। तो सारी की सारी जनता यहाँ पर बोल रही है सर सही जवाब होना चाहिए सिंगापुर, सिंगापुर जो का जो बंदर का उसका नाम है एट्रोपोएट इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने क्या आता है, अगला क्वेश्चन है कि रजिस्टरों का साइज जिनमें कभी कभी फिलिंग द ब्लैंक्स कहा जाता है, जिसमें डेटा की मात्रा को इंगित करते हैं, जिसके साथ कंप्यूटर किसी भी समय काम कर सकता है, रैम है, ऑक्सिलरी मेमोरी है, वर्ड साइज है या रजिस्टर्ड वर्ड है, क्या होना चाहिए। तो रजिस्टर का साइज जिसमें कभी कभी कंप्यूटर इंगित करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटा सा है, यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए वर्ड साइज सही उत्तर है, वर्ड साइज यहाँ पर सही जवाब है। पोल्ट्री जो हमारी इंडस्ट्री है ये हमारे किस क्रांति से संबंधित है, गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है या वाइट है, पोल्ट्री इंडस्ट्री का संबंध आपके किस क्रांति से है। तो पोल्ट्री इंडस्ट्री का संबंध अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारे सिल्वर मतलब रजत क्रांति से संबंधित है, तो सिल्वर हमारी इंडस्ट्री के नाम से पोल्ट्री इंडस्ट्री जानी जाती है, सही जवाब है। वोकालिग्गा लिंगायत जनजाति का संबंध किस राज्य से है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, यहाँ पे वोकालिग्गा लिंगायत जनजाति है ये हमारे किस से संबंधित है, कहाँ की ये जनजाति है। सारी की सारी जनता यहाँ पर जवाब दे रही है कि सर हमारा जो सही जवाब होना चाहिए कर्नाटक, वोकालिग्गा लिंगायत जनजाति ये कर्नाटक से, जिसका इस्तेमाल हमारे राजनीतिक पार्टियां करती हैं। टाइड सबसे ज्यादा जो हमारे ज्वार है ये कब आते हैं, जब सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है, जब पृथ्वी चंद्रमा के सबसे निकट होती है, जब सन, मून एंड अर्थ तीनों एक सीध में होते हैं या इनमें से कोई नहीं, सबसे ज्यादा ज्वार कब आते हैं। तो यहां पर जनता बोलिए सर सबसे ज्यादा जो टाइड्स हैं, सबसे ज्यादा जो ज्वार हैं ये हमारे आते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक में होता है, तो ग्रेविटी के कारण ये सबसे ज्यादा आपके आते हैं, तो यहाँ पर दो नंबर जवाब सबसे सही है। पटकाई बम सीरीज हमारी पटकाई श्रृंखला की पहाड़ी कौन सी है,
पटकाई बम है, गारो खासी जयंतियाँ हैं, लुसाई हिलसिंग है, ये सारी की सारी पटकाई सीरीज की हमारी श्रृंखलाएँ हैं। पटकाई जो हमारी सीरीज है उसकी कौन सी श्रृंखला है? सारे बच्चे जवाब देंगे तो सारे बच्चे यहाँ पर एक ही जवाब की तरफ बढ़ रहे हैं। सर पटकाई जो सीरीज है ये हमारे बिल्कुल ये सभी के सभी हमारे देखने को मिलेंगी पटकाई सीरीज से। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नटांजलि जो नृत्य महोत्सव है ये किस देवता को समर्पित है? नटांजलि क्या लग रहा है आप लोगों को? शिव है, भगवान शिव है, भगवान ब्रह्मा है, गणेश जी हैं या भगवान विष्णु है? हमारे नटांजलि जो महोत्सव है किससे संबंधित है? तो गाइज यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा भगवान शिव, भगवान नटराज को भगवान शिव बोलते हैं, तो आप वहां से भी रिलेट करके यहाँ पे बना सकते हो। इनमें से हमारी मैन्युफैक्चर गाइडेड मिसाइल का संबंध किससे जुड़ा हुआ है ना? मैन्युफैक्चर्ड गाइडेड मिसाइल जो है किससे बनी है? भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, भारत डायनेमिक लिमिटेड है, HAL है या BEL है? कौन बनाती है गाइडेड मिसाइल हिंदुस्तान में? गाइडेड मिसाइल हिंदुस्तान में कौन बनाता है? तो यहाँ पे जनता बोल रही है सर सही उत्तर होना चाहिए भारत डायनेमिक लिमिटेड हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है, ये DRDO के साथ मिलकर के गाइडेड मिसाइल बना रही है। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा या ग्रीस? कुछ क्वेश्चन अटपटों के बाद एक बहुत आसान सा क्वेश्चन आ गया। पेरिस की राजधानी कौन से शहर की, कौन से देश की राजधानी पेरिस है? तो यहाँ पे जनता बोलेगी सर अगर आप पेरिस की बात करेंगे तो ये हमारे फ्रांस की राजधानी है पेरिस, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, कनाडा की राजधानी है ओटावा, ग्रीस की राजधानी क्या है एथेंस। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। इनमें से कुछ हमारे मूवमेंट दिए गए और उसके साल दिए गए, इनमें से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। बॉम्बे इंडियन लीग है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, इंडिया सोसाइटी 1875 है, इंडियन एसोसिएशन 1879 है, कौन सा सही नहीं है? बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर इंडियन एसोसिएशन जो है ये 1875 के समय आया था, तो 1889 बाकी का सही है। इंडियन लीग 1875 है, प्रेसिडेंटी 1875 है, इंडियन सोसाइटी 1872 है, यहाँ पे 1876 और 77 के बीच में ये हमारा आया था। अब आपको बताना इनमें से कौन सा दर्रा सिक्किम को चाइना से जोड़ रहा है? सिक्किम को चाइना से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? रोहतांग है, नथुला है, जेपला है या जोजीला है? सबसे पहले से सिक्किम में कौन सा दर्रा है? तो भैया ना रोहतांग दर्रा, रोहतांग पास नहीं है, जो जिला पास नहीं है, ये दोनों को हटा देते हैं। अब हमारे पास कंफ्यूजन बचा दो में, नाथुल्ला दर्रा और जेपला पास, इन दोनों में कौन सा होना चाहिए? अब ये हमें सोच के जवाब देना है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होना चाहिए वो है हमारा नाथुल्ला दर्रा, जो चाइना को सिक्किम से जोड़ रहा है, भूटान को सिक्किम से जेपला पास जोड़ रहा है। ठीक है चलिए, नाथुलाल जेल में गया, बहुत बढ़िया। किसी दिए गए वर्ष में किसी देश के भीतर उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को क्या बोलते हैं? है ना, किसी देश में प्रोड्यूस किए गए एक साल में जो हमारे उत्पादित वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं उसकी कीमतों को GNP बोलेंगे, GDP बोलेंगे, पर्सनल इनकम बोलेंगे, पर कैपिटा इनकम बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई? तो यहाँ पे जनता बोली है सर किसी भी देश के अंदर जो भी साल भर में चीज़ें बन रही हैं और वहीं पर सेल की जा रही हैं उसको हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद के नाम से GDP के नाम से इंगित करेंगे। आपको बताना है मद्रास नेटिव एसोसिएशन और बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, अभी आप लोगों ने पढ़ा था 52 में, 58 में, 76 में या 85 में, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपने कि हमारे यहाँ पर बॉम्बे एसोसिएशन या मद्रास नेटिव एसोसिएशन तीनों को कौन से साल में बनाया गया था? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा 1852 में ये हमारे बनाई गई थी मद्रास एसोसिएशन और बॉम्बे हमारे एसोसिएशन 1852 में बनाया गया था, यहाँ पे बता रहा है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है, अंतर है दोनों में, थोड़ा सा अंतर है। तो ये प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे एसोसिएशन है, तो यहाँ पे भैया अंतर है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 1852 इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अंतर क्या था वो आपने देख लिया होगा। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भाषा के आधार पर जो सर्वे किया गया, जॉर्ज ग्रिस्नल है, LP स्टोस्टरिया है, मोतीलाल मेनेरिया है या हमारे गैरी स्मिथ है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियसन है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? ओटो हैन है, मैडम क्यूरी है, रॉबर्ट ओपन हायर है या अल्फ्रेड नोबेल है? सर ने क्वेश्चन पूछा डायनामाइट का जो है वो आविष्कारक कौन थे? तो सारी की सारी जनता यहाँ पर जवाब दे रही है सर डायनामाइट के जो आविष्कारक का बात करेंगे।
वो थे हमारे कौन, तो जनता यहाँ पे बोली गई, सर सही जवाब होना चाहिए अल्फ्रेड नोबेल। तो जितने लोग यहाँ पर अल्फ्रेड नोबेल बोल रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अल्फ्रेड नोबेल जो है यहाँ पे आपके बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो अल्फ्रेड नोबेल इज राइट आंसर। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गई और भारतीय महिला थी? कल्पना चावला है, ज्वाला गुट्टा है, हिमा दास है, सुनीता विलियम्स है। सर ने यहाँ पर पूछा है कि सर आप बताना अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो जनता यहाँ पर बोलेगी सर कल्पना चावला जी हैं जो सबसे पहले गई थी। ज्वाला गुट्टा और हिमा दास तो अंतरिक्ष में गई नहीं है, तो ये हमारे सबसे पहले दो बार गई हैं। 1997 में गई थी सबसे पहली बार कल्पना चावला और इतिहास रच दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? ओएस ब्राउन स्मिथ थे, सीडी देशमुख थे, या हमारे आपके सामने है बेनिगल रामाराव है, या अयंगार साहब है? कौन है हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर? तो गाइज यहाँ पर जो सही उत्तर होना चाहिए सीडी देशमुख। तो जितने लोग यहाँ पर सीडी देशमुख बोल रहे हैं ये भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे, तो सीडी देशमुख इज राइट आंसर। घाटी का गहरा होना और आम तौर पर किसका कारण होता है? जो हमारे वैली डीपिंग है ये जनरली किसकी वजह से होता है? ये हमारा बोल सकते हैं कि एब्रिवेशन है, कोरिजन है, ट्रैक्शन है, या इरोजन है। तो बहुत सारे दोस्त यहाँ पर एक आप लोगों के मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर करेंट अफेयर्स CHSL के एग्ज़ाम में जो है वो कहाँ से आया, कितना आया। तो दोस्तों जो अभी तक मेरे पास जो बच्चों से थोड़ा बहुत जो आप ही लोग जो है शेयर करते हैं अपनी बातें, तो वहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा इस बार का जो जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए जी ये बहुत टफ आ रहा था, मतलब टफ का नहीं टफेस्ट था, जी वो गरीब प्रश्न आ रहे थे और ये हमारे लिए जो है बड़ा ही था कि CHSL का कैसा आएगा। तो CHSL का जिन्होंने पढ़ाई की है, मैं ये बताना चाहूँगा, जिन्होंने पढ़ रखा है ना 6-8 महीने के करेंट अफेयर्स, वहाँ पे जो भी स्टैटिक पॉइंट बन रहा है उनका पेपर जरूर अच्छा जाएगा, ये बात आज नोट कर लीजिएगा। लेकिन हाँ 8 महीने की वो चीज़ें आपको याद भी होनी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रहेंगी तभी आप कर पाएंगे। तो वहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो पद्मश्री अवार्ड पूछा गया है ना, जो ट्रांसजेंडर को पहली बार मिला हुआ है, या आपके अलग अलग जो हमारे अवार्ड हो रहे हैं, फंक्शन हो रहे हैं, वहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हम सभी को याद रखना है कि हमने जो 8-9 महीने में जो चीज़ें पढ़ी हैं और उस पर जो स्टैटिक पॉइंट भी बन रहे हैं वो भी हमको याद रखना है। वहाँ से अगर आपने अच्छे से कर रखा है तो आपका एग्ज़ाम CHSL का नो डाउट अच्छा जाने वाला है, ठीक है ना। जैसे अमित का सिलेक्शन हुआ CHSL के टाइपिंग में, तो याद रखिएगा ये हमारे लिए एक थैंक्स टू टेक्स्ट बुक, देखो यहाँ पर बोल रहा है। तो अमित बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसे सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा घबराना नहीं है। अब भैया एक दो प्रश्न तो ऊट पटांग आ गए, अब एक दो प्रश्न ही दिमाग में रहते हैं ये कठिन वाला पढ़ाया था, अरे आसान वाली चीज़ याद रखो ना भाई, काय के लिए कठिन वाली चीज़ याद रखते हो। तो एक दो तो घुमाएगा ही, तुम में और टॉपर में डिफरेंस करना, मतलब सिलेक्शन में तो आप अगर पढ़ाई की हो तो सिलेक्शन होगा, लेकिन अगर टॉपर में सिलेक्शन में अगर डिफरेंस क्रिएट करेगा तो वो जीए होता है। तो एक दो क्वेश्चन तो घुमाएगा ही, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि भैया तुम लोग थोड़ा सा इसी तरीके से, और SSC वाले जो पैटर्न इस बार अपनाए हैं वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा है कि थोड़ा सा प्रश्न हमने जो पढ़ने वाले बच्चे वो बना के आ सकते हैं। तो इरोजन के बारे में बात करते हैं, घाटी का गहरा होना। चलिए और कर लेते हैं प्रश्नों को। यहाँ पे हमारे सामने कुछ सहायक नदियाँ दी गई हैं और ये दी गई हैं मेन रिवर। अभी आपको यहाँ पे बताना है कौन सा हमारी सहायक नदी है। सिंधु रिवर है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है, गंडकी रिवर है, खुर्रम रिवर है, तिस्ता रिवर है, मणिपुरी रिवर है, तावा रिवर है। भाई साहब हिला के रख दिया, जरा मैच करो जल्दी से। तो यहाँ पे जनता बोली है सर सही उत्तर होना चाहिए। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो तुमको आता है वही मैच करो, जो तुमको आ रहा है उसको मैच करो। तो जनता बोली सर हमारे जो ब्रह्मपुत्र है वो तिस्ता रिवर से मिलती जुलती दिख रही है, मतलब तीन का सी यहाँ पे, मतलब इनको हटा दें या जाए, जनता बोली इनको हटा दीजिए। अब यहाँ पे आपको नर्मदा तावा रिवर से आपने पढ़ा है, नर्मदा तावा रिवर से, ये तो मेरे हिसाब से 4 का E, मतलब ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। कर दिया जाए भाई 4 का D नंबर वाला कर दिया जाए, क्या बोलती जनता, डी नंबर वाला टिक कर दिया जाए, क्योंकि देखो दो यहाँ पे आपने आपको मैंने कई बार पढ़ाया है तो मैंने दो को मैच कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते 4 देखो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमने दिमाग का ये होशंगाबाद में मिलती है ये तिस्ता रिवर आपकी जो है, ये बांग्लादेश के साथ विवाद चल रहा है, बांग्लादेश में जाकर मिलती है ब्रह्मपुत्रा में, ठीक है। अब यहाँ पे पहले का भी है, मतलब इंडस रिवर आपकी खुर्रम है और हमारे जो 2 का A है गंडकी रिवर जो यहाँ पे है, मणिपुरी रिवर जो है बिचारी बच गई। तो यहाँ पर ये इसका सही जवाब है।
यहाँ पे आपको पता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस ये कहाँ पर है? दिल्ली में, हैदराबाद, बंगलौर या कोलकाता? इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस कहाँ पे है? बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे सारी की सारी जनता यहाँ पे जवाब दे रही है। सर, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें, जो सार्वजनिक उद्गम है, ये हमारा देखने को मिलेगा हैदराबाद में। तो दो नंबर बच्चे यहाँ पे जितने बोल रहे हैं उनका जवाब सही है, दो नंबर इधर करेक्ट आंसर सही जवाब है। छोटा नागपुर का पठार इनमें से किस क्षेत्र को सम्मिलित नहीं करता है? महाराष्ट्र है, बिहार है, उड़ीसा, झारखंड? छोटा नागपुर का पठार किसको यहाँ पर सम्मिलित नहीं करता है? तो जनता यहाँ पर बोले सर, छोटा नागपुर की अगर हम लोग पठार की बात करें तो ये हमारे महाराष्ट्र में नहीं आता है। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ यहाँ पर यह फैला हुआ है, थोड़ा सा तेलंगाना को भी टच करता है। इनमें से राष्ट्रपति के योग्यता में हमारी नहीं है परमानेंट गवर्नमेंट, मतलब हमारे जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है जो अमेरिका में आपको देखने मिलता है, इनमें से कौन सा नहीं है परमानेंट है? हमारे कन्फर्मेशन पॉलिसी है, लिमिटेड हमारे रिप्रेजेंटेशन है, गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट है, कौन सा यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा? तो दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा ये है हमारा लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन, सीमित प्रतिनिधित्व, तो ये इसका नहीं है। तो ये हमारे अमेरिका में आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखने मिलेगा। इजी क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के जो पिताजी थे उनका नाम आपको यहाँ पे, इजी क्वेश्चन, राहत देने वाला, जैसे गर्मी में बारिश हो जाती ना तो राहत मिल जाती गर्मी से, उसी तरीके से राहत देने वाला क्वेश्चन आपके सामने है। सुदोधन है, राहुल है, महावीर है या इनमें से कोई नहीं? जनता बोल रही है सर, गौतम बुद्ध जी के अगर पिताजी की बात करें तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, हमारे जो सुदोधन है इनके पिताजी थे जो कि शाक्य वंश के राजा थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्नकाल और कार्यसूची, टाइम गैप बिटवीन द हमारे एजेंडा एंड क्वेश्चन आवर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? है ना, मोमेंटियस है, इंपॉर्टेंट है, नोटिस है या जीरो आवर है? भैया हमारे पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर और एजेंडा आवर के बीच में जो गैप है इसको क्या बोला जाता है? हाँ यार, कोई बोल सकते कि फ्रॉड कॉल का आ रहा था, फ्रॉड लिख के आया था। यहाँ पे जनता बोली है सर, जीरो आवर बोलते हैं उसको, जीरो आवर इज राइट आंसर। पेसो इनमें से किस राष्ट्र की मुद्रा है? चाइना, अर्जेंटीना, कोलंबिया या दो और तीन, दोनों की है? पेसो मुद्रा कहाँ की है? पेसो की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जनता बोलेगी सर, अगर आप पेसो की बात करेंगे तो जो पेसो मुद्रा है ये हमारे अर्जेंटीना और कोलंबिया, ये दोनों से संबंधित है, बोथ दो एंड तीन, दो और तीन दोनों से ये हमारी पेसो मुद्रा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नदी के कटाव के कारण गठित भूदृश्य क्या कहलाता है? डेल्टा है, फ्लड प्लेन है, जॉर्ज है या नेचुरल इम्ब्लैकेंट है? हमारा नदी के कटाव के कारण जो इरोजन वर्क हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर जनता बोल रही है कि सर, हमारे नदी के कटाव के कारण जो कटाव हो रहा है नदी के कारण उसको हम लोग बोलते हैं जॉर्ज बनना है, गॉर्ज बोल सकते हैं, गॉर्ज, गॉर्ज का निर्माण हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इनमें से कौन सी हमारी कैश क्रॉप नहीं है? मतलब भैया ये हम लोग कुछ फसलें केवल बेचने के लिए उगाते हैं, गन्ना, काजू, तंबाकू या गेहूँ, जिससे बड़ा कैश मिलता है? तो जनता है बोलेगी सर, सही जवाब होना चाहिए, गन्ना को हम लोग बेचते हैं, काजू को बेचते हैं, तंबाकू को बेचते हैं, लेकिन गेहूं तो खाने में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, घर में काफ़ी कुछ लग जाता है, तो गेहूं इज़ नॉट अ हमारे कैश क्रॉप, है ना। अगला प्रश्न आप लोग देख लेते हैं, गूटी का प्रयोग जो है ये आमतौर पर किसके संवर्धन, किसके प्रमोशन में करते हैं? लीची या पाइनएप्पल है, मैंगो या पपाया? गूटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन में करते हैं? गूटी, तो गाइज यहाँ पर जो है सही जवाब होना चाहिए, ये लीची में गूटी होती है, लीची के अंदर गूटी होती है, मुजफ्फरपुर वाले जानते भी होंगे, है ना, बिहार की सबसे फेमस है लीची हमारी। हमारे यहाँ पर जो नई अकारे ऑल इंडिया सर्विसेज हैं आर्टिकल नंबर 312 के तहत, इसको बनाने का जो अधिकार है किसके पास है? लोकसभा, राज्यसभा, यूपीएससी या स्टेट गवर्नमेंट, किसके पास है हमारे यहाँ पर नई भारतीय अखिल सेवाओं को निर्माण करने का? तो यहाँ पर जनता बोली है हमारे जो अखिल भारतीय सेवाएं है इसका निर्माण करने का जो अधिकार है राज्यसभा के पास आपको देखने मिलेगा, मतलब हमारे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। भारत में पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए कितने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया गया है? गाइस गगनयान हमारा जो पहला है अंतरिक्ष यान है, अंतरिक्ष मिशन है गगनयान, और इसके लिए हमारे कितने भारतीय चुने गए? दो, तीन, चार या पांच? तो गाइस ये 2023 में ये मिशन जो है ये हमारा शुरू किया जाएगा, 9,000 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च किए जा रहे हैं। ये हिंदुस्तानी मिशन है, हिंदुस्तानियों का मिशन है, यह इसरो चला रही है, चार लोगों को चुना गया है जो कि हमारे पृथ्वी के ऑर्बिट के बाहर रहेंगे। केरल, आंध्र प्रदेश, झारखंड एंड असम, यहाँ पे आपको कौन सा सही नहीं है? पूनम है, पोंडू है, खील है या झूम है? कौन सा हमारा संबंध नहीं है हमारे किसका करेक्ट नहीं मैचिंग है? तो भैया झूम खेती असम में, खील
पोंडू एंड पूनम। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, झारखंड में खिल नहीं होता है। खिल जो है झारखंड की खेती का प्रकार नहीं है, तो थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन। जनसंख्या में तब मानव पूंजी बन जाता है जब निवेश किया जाता है, एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, मेडिकल केयर में, या इन सभी में। तो मानव जनसंख्या में मानव कैपिटल तब बन जाता है जब उसका इन्वेस्टमेंट क्या किया जाए, उसका शिक्षा दी जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, मेडिकल चिकित्सा दिया जाए। तो यहाँ पर जाए गाइस जो सही जवाब होना चाहिए तुम्हारा फेवरेट है ऑल ऑफ दिस, अगर आप उसको शिक्षा देंगे, प्रशिक्षण देंगे, है ना, मेडिकल केयर में लेंगे, तो वो हमारे लिए कैपिटल बन जाएगा। छोटा कश्मीर के नाम से किसको जाना जाता है, रियासी है, भदवार है, पुरमंडल है, या लामा यारू है, किसको छोटा कश्मीर बोलते हैं, छोटा कश्मीर किसको बोला जाता है, जल्दी जवाब देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जनता बोल रही है सर छोटा कश्मीर की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हम इसको हम लोग बोलते हैं भरद्वार इज राइट आंसर। सती प्रथा को रोकने के लिए इनमें से कौन से शासक ने सबसे पहले जो है वो कदम बढ़ाया था, फिरोज शाह तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है, अलाउद्दीन खिलजी है, सिकंदर लोदी है। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सती प्रथा बिल्कुल चरम पे थी, बहुत सारे जो है आपने देखा होगा पद्मावती से लेके बहुत सारे लोगों ने सती हुआ, लेकिन इसके बाद तुगलक डेंसिटी आती है और वो सती प्रथा को ख़त्म करना चाहते थे। कुप्रथा थी जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहली बार प्रयास किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर है। यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया हमारा जो डेजर्ट है ये कहाँ पे, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पर हमारा जो है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जनता बोली है सर सही जवाब होना चाहिए हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ पर जो है वो ऑस्ट्रेलिया इज करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलिया जितने लोग बोल रहे हैं जवाब इनका बिल्कुल सही है, हमारे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। नितिन तोमर किस खेल से संबंधित है, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या क्रिकेट, नितिन तोमर की बात की जा रही, काफी फेमस पर्सनैलिटी है। यहाँ पर जनता बोल रही है सर सही उत्तर होना चाहिए, सही जवाब है कबड्डी। तो जितने यहाँ पे कबड्डी बोले ये नितिन तोमर जो है कबड्डी से संबंधित है इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है एन एस्ट्रोलॉजी लाइफ इन इंडियन डेस्टिनी, इनमें से एक किसकी जीवन है, जीवनी है, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, शशि थरूर या इंदिरा गांधी। सर ने यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ एंड इंडियन डेस्टिनी ये बायोग्राफी किसकी है, तो यहाँ पे सही जवाब है सोनिया गांधी की, सोनिया गांधी जी की है। अगला क्वेश्चन है चाणक्य का मूल नाम क्या था, गुप्ता था, कौटिल्य था, सम्राट था, या इनमें से कोई नहीं, चाणक्य का मूल नाम क्या था। तो जनता यहाँ पर बोलिए सर चाणक्य की अगर आप बात करेंगे तो चाणक्य हमारे जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी उनके मूल नाम था कौटिल्य, कौटिल्य जितने लोग बोल रहे हैं दो नंबर इज राइट, इज सही जवाब है। इनमें से कौन सा एक फलीदार फसल है, लिग्यूमिनियस क्रॉप है, केला, गुआवा, मैंगो या टर्माइंड, कौन सी फलीदार फसल है। यहाँ पर जनता बोली है सर सही उत्तर होना चाहिए, हमारी जो फलीदार फसल है वो है टर्माइंड, इमली, जितने इमली बोल रहे हैं फलीदार होती है भाई, उसको छील करके निकाला जाता है ना। तो दोस्तों ये तो थी आज की क्लास, और आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा, देखिए कोई भी चीज़ एक दिन में महारत हासिल नहीं करती है, उसके लिए आपको 3-4-6 महीने की मेहनत करनी पड़ती है, तो ही वो हमारे लिए एक फल देती है, चाहे वो आपका जीए हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, एक सही बेस अगर आपका तैयार है तो आपको कम से कम 6-7 महीने लगातार मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है, तब जा कर के हमारे को जो है वो रिजल्ट मिलता है। तो गाइज चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे स्टैटिक हो, बेसिक पॉइंट्स से लेकर के एडवांस तक आपको पढ़ना पड़ता है, तब जा कर के आप क्वेश्चन बना पाएंगे, जीए की मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी नहीं और जो हमारे साधारण है या मीडियोकर है उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरत है, वो है उनका स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, दोनों को मिला करके आप पढ़िए, ज़रूर सिलेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन आप सोचें कि यही प्रश्न हमारे एग्जाम में आए, नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट हम यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, आप वीडियो में देखेंगे आज के एग्जाम में, जैसे ट्रेन टू पाकिस्तान कल ही मैंने आपको मास्टर क्लास में पढ़ाया था और आज CHSL के एग्जाम में आ गई है, कल मास्टर क्लास में ये प्रश्न मैंने कराया हुआ है आधे घंटे की, जो 2:30 बजे होती है फ्री में,
और वो आज के एग्जाम में आ गई। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, लेकिन अब मैं बोलूँ सर आप मुझे क्वेश्चन का वो लिस्ट दे दीजिए, यार मेरे को खुद नहीं पता है। लेकिन जो रेगुलर बेसिस पर हम चीज़ें करते हैं उसका ही हमको एग्ज़ाम में फल काटना होता है, उसी की हम कटाई करते हैं, उसी को हम लोग भोगते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, मेहनत करिए, चाहे आपका एग्ज़ाम अभी हो, चाहे एक साल के बाद हो, चाहे छः महीने के बाद हो, अचानक से सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसी उम्मीद के साथ, हाँ टेक्स्ट बुक पास आपको जरूर ले सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। क्यों सर ये बार बार आप क्यों बोलते हो? मैं इसलिए बोलता हूँ यार टेक्स्ट बुक पास लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप एक सही तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सही तरीके से प्रैक्टिस करना है तो टेक्स्ट बुक पास आपके लिए बेस्ट है। और कूपन कोड इस्तेमाल करिए PAC PASS। बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी लगती है कि सर वीडियो में आप जब प्रश्न आने वाले नहीं हैं तो कराते क्यों? इसलिए कराते हैं ताकि तुम यहाँ पर प्रैक्टिस कर सको। बेसिक से पहले आपको सीखना पड़ेगा, बेसिक से सीखिए और यहाँ पर आकर के प्रैक्टिस करिए। आपका सब कुछ कंप्लीट है। यूट्यूब पे आइए 10:30 बजे, हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। अब मेरे को एक मोटा मोटा सा अंदाज़ा मिल गया है कि हमारे एग्ज़ाम कैसे होने वाले हैं। तो गाइज उसी के आधार पर मिलेंगे कल शाम को 2:30 बजे, सुबह 6 बजे। ये तो मिस करना ही नहीं है, 6 बजे क्लास मिस करने का मतलब है हम फ्यूचर अपना ख़राब कर रहे हैं। और 10:30 बजे गाइज टेक केयर एंड मिलते हैं।